जय भीम नमो बुद्धाय। आज हमारे साथ है क्योना नागपाल, जो राष्ट्रीय कवि नागपाल जी की बेटी हैं, हमारे साथ हैं। क्यों ना एक बात बताओ, आप बहुत सारी कविताएं गाते हैं और बहुत सारे गीत भी गाते हैं और आपको ढेर सारी तालियां जब मिलती हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बहुत सारी तालियां मिल रही हैं। मुझे ये लगता है कि लोग अपना कीमती समय निकाल के मुझे देख रहे हैं एक तरह से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे लिए भी कोई अपना टाइम निकाल के मुझे भी देख रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपके वीडियोस को लोग आपकी सहेलियां बता दें हमने आपको वीडियो देखा और बहुत सी, तो ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कोई एटीट्यूड बदल जाता है कि नहीं मैं अब मैं सेलिब्रिटी बन गई, ऐसा तो नहीं रहता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो मेरे फादर भी एक तरह की सेलिब्रिटी हैं, वो पहले से मुझसे पहले से बहुत आ चुके हैं इस लाइन में, तो मुझे ऑलरेडी पहले से ही होना चाहिए था घमंडी, लेकिन मैं हूँ नहीं ऐसी। अच्छा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्यों ना नागपाल जो बहुत सुंदर गाती हैं और बहुत प्यारी सी बिटियाँ हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस छोटी सी प्यारी सी बिटिया को ढेर सारा ब्लेसिंग आप लोगों को मिल सके और ये जितनी सुंदर गाती हैं उसका हम लोग भी देखते हैं। क्यों ना मैं चाहूंगा आप एक छोटी सी कविता या छोटा सा गीत आप हमें सुनाएं प्लीज। तमन्नाओं में तमन्ना भी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, दिवाली के दियों से फेरियां पूछती रही बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना यही एक और बाकी है। बहुत सुंदर इन्होंने सुनाया तमन्नाओं में तमन्ना, और ये राहुल जी की बहुत खूबसूरत कविता है जिसको ढेर सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब मिल चुके हैं, और मैं चाहूँगा इस वीडियो को भी आप अपने माध्यम से इस क्यों ना हमारी बेटी को दें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बिटिया को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बहुजन समाज का मिल सके। हमारे चैनल से बात करने के लिए थैंक यू क्यों ना, और ढेर सारा ब्लेसिंग, आप बहुत सारी ऊँचाइयों पर जाएँ और हम भी आपकी लाइन में आके खड़े होकर तालियाँ बजाएँ। थैंक यू, थैंक यू बेटा।